उज्जैन में ब्राह्मण समाज की बैठक में कांग्रेस की महिला पार्षद द्वारा एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई गई थी। बैठक में उठी इन मांगों के खिलाफ दलित समाज के एक संगठन ने महिला पार्षद का पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। रविवार को टावर चौक पर अंबेडकर छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान महिलाएं भी शामिल थी। संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने एट्रोसिटी एक्ट हटाने व आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग करते हुए अधिकार खत्म करने की बात कही है। चुनाव के दौरान माया त्रिवेदी को केवल दलितों के वोट चाहिए, यह कांग्रेस की दोहरी नीति है। इसके खिलाफ दलित समाज के लोगों ने पार्षद त्रिवेदी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल शनिवार को महावीर जैन धर्मशाला रंग महल पर ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंच से पार्षद त्रिवेदी ने एट्रोसिटी एक्ट को पूरी तरह से समाप्त करने व आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ देने की मांग उठाई। इसके बाद से ही दलित समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। पार्षद की मांग का विरोध करते हुए दलित संगठन ने पुतला भी जलाया। ये हम लोग सभी यहाँ पर माया राजेश त्रिवेदी का पुतला दहन कर लेके एकत्रित हुए थे। हमारा सिर्फ ये कहना कि क्या माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? आप लोगों ने भी देखा हो, कुछ दिनों पहले उन्होंने आदिवासी महिला के साथ मारपीट भी की थी। दूसरा भी कल इन्होंने एक बैठक हुई, उस बैठक में ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वो बैठक सिर्फ ये था कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म की जाए और आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए। तो क्या ये कांग्रेस की दोहरी नीति ऐसी चलेगी? क्या कांग्रेस को सिर्फ माया राजेश त्रिवेदी को सिर्फ दलितों के वोट चाहिए? क्या हम दिग्विजय सिंह से पूछना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह से हमेशा दलित हितैषी बात करते हैं, हमेशा दलितों के हित में बात करते हैं। क्या उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया है? उनकी ही पार्टी की, उनके ही पार्षद, कांग्रेस पार्षद माया त्रिवेदी हमेशा दलितों के अधिकार खत्म करने की बात करती है और अभी भी वो लोग जगह जगह सभाएं करके एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी उनसे मांग है कि आपकी समाज के लिए आवाज़ उठाओ, कुछ भी करो, कैसी मांगे करो, पर कम से कम हमारा अधिकार तो खत्म मत करो।